ये हमारे जाज भाई का शॉप है, देखिए 270 रुपये में खरीद के आया हुआ। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लखनऊ विजन 221 में, और आज आपका भाई आया है जावेद मौलाना के यहाँ। भाई हमारा नया शौक करने जा रहे हैं भाई, पहले कुछ साल पहले शौक करते थे, कुछ वजह से ख़त्म कर दिया था, अब फिर से भाई कबूतर लेकर के आए हैं 270 रुपये में। और इस्तीफा की बात ये है, यहाँ पर इनका कोई भी सुलाई नहीं है, हर कोई सैदी है। भाई का बड़ा जिगरे का काम है, ये 80 कबूतर भाई खोलेंगे नया। अभी तो भाई यहाँ नेट लगी हुई है, कुछ दिन बाद भाई अभी दौड़ा रहे हैं कबूतरों को, कुछ दिन बाद कबूतर खोलेंगे। चलिए भाई के कबूतर दिखाते हैं भाई कैसे मिले हैं भाई को 270 रुपये में कबूतर। ये हमारे जावेद भाई कबूतर हैं, जावेद भाई दौड़ा रहे हैं इनको, और ये आप देख सकते हैं नेट लगी हुई है छत पर, ये देखिए नेट लगी हुई है, उधर छत खुली हुई है अभी। ये आप देख सकते हैं जावेद भाई के शानदार कबूतर, आप देख सकते हैं शानदार 270 रुपये पर में। देखिए लखनऊ के कबूतर हैं और ये लखनऊ में ही ख़रीदे गए हैं। ये देख सकते हैं आप सब, एक से एक कबूतर हैं। ये देखिए भाई 270 रुपये में मात्र ख़रीद के आए हैं भाई, सेल नहीं हो रहे हैं, आप लोग ये मत समझना कि सेल हो रहे हैं। तो जायद भाई कब खुलेंगे ये? भाई ये इरादा है मेरा 6 से 7 तारीख में खोलने का। 6 से 7 तारीख में जावेद भाई खोल देंगे। और जावेद भाई आपका कोई सुल्लाई है या? कोई सुल्लाई नहीं है भाई, डायरेक्ट सैदी वाल लड़ेगा, सब डायरेक्ट सैदी वाल लड़ेगा और बिना फड़क लड़ेगा इंशाल्लाह। कबूतर इंशाल्लाह जावेद भाई कबूतर बिना फड़क लड़ेगा, जो गिरना होंगे गिर जाएंगे, जो गिर जाता है वो मर ही जाता है हम लोगों के लिए। हम लोग कबूतरबाजी थोड़ी दूजे किस्म की है, ना ही हम लोग कहीं जाते हैं, ना ही हमारे जावेद भाई कहीं जाते हैं कबूतर लेने वेने, जो चला गया वो चला गया, वो मर गया। देख सकते हैं भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। कहिए भाई। मेरे एक सैदी है अजय भाई, तो उनसे थोड़ी सी मुँह की हो गई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप 151x151 लड़ा लीजिए, और आपका जो गर्दान है आप वही खोलिएगा, और मैं इसी में मिला के अपने 150 पूरे नए खोलूँगा। बड़ी दिख रही है बात कही आपने जावेद भाई, लेकिन वो पीछे हट गए, उनके ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए और अपने आप को बहुत बड़े कबूतरबाजों में शुमार करते हैं। अरे नहीं जावेद भाई, जब आपने इतना बड़ा ऑफर दे दिया उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो समझ जाइए वो इंसान कौन था कबूतरबाज है। और जावेद भाई का तो एक भी गर्दान नहीं है अभी, एक भी गर्दान नहीं, सब नया कबूतर है। इस छत पे कबूतर ही पहली बार पड़ा है, पहली बार भाई ने इस छत से शौक किया है, पहले दूसरी छत से शौक करते हुए। देखिए जावेद भाई के कबूतर हैं हमारे, जावेद भाई ने बहुत जिगरे की बात कही थी, 151 का मोशन मानना, छत पे कबूतर भी नहीं हो, अगले के पास 80 गर्दान, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जावेद भाई का कलेजा बहुत बड़ा है भाई, मैं मानता हूँ कि आप देख सकते हैं जान नेट लगी हुई है अभी। देखिए जावेद भाई इनको दौड़ा रहे हैं, नया कबूतर दौड़ा रहे हैं जावेद भाई। आप देख सकते हैं भाई 270 रुपये में ख़रीद के आए यहीं लखनऊ से, ये इस वक्त हैं हम कश्मीरी मोहल्ले में, और ये कबूतर आया है ज़्यादा दूर से नहीं आया भाई, काले पाइप से, तम्बाकू मंडी काला पाइप वहाँ से आया है ये कबूतर ख़रीद के, कोई ज़्यादा खास दूर नहीं है यहाँ से, भाग भी सकता है, लेकिन हमारे जावेद भाई उस्ताद आदमी ये भागने नहीं देंगे। हम मौलाना साहब बहुत पुराने कबूतरबाज हैं, बस कुछ साल पहले कबूतरबाजी छूट गई थी कुछ वजह से इनकी, फिर से भाई के शौक चढ़ा है, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा शौक दिखाएंगे जावेद भाई। जावेद भाई कुछ कह दिए, शौक कैसा दिखा? मेरा कहना ये है कि मुंह से शौक नहीं होता है, शौक होता है आसमान पर जब कबूतर पर मार के चलता है। यूँ कहने तो का तो जावेद भाई कि मैंने ऐसा उड़ा दिया, मैंने वैसा उड़ा दिया, लेकिन मैं शाम को खड़े होकर अक्सर यहाँ के जो मेरे सैदी वाल हैं जो इतनी मुँह की करते हैं उनकी कबूतरबाजी में देखता हूँ कि कैसी है। तो खैर बस कहना यही है कि जब कबूतर खुलेगा
इंशाल्लाह आप सब लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह कैसा उड़ रहा है और कबूतर मजबूत है या नहीं है, ये तो कबूतर खुलने के बाद ही पता चलेगा। खैर अपनी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जितने खोलेंगे उतने ही लड़ाएंगे इंशाल्लाह, बिना फड़क लड़ेगा इंशाल्लाह। और जिस दिन नेट खुलेगा उस दिन भाई हम लोग वीडियो बनाएंगे जायद भाई की, इंशाल्लाह वीडियो उस दिन जरूर बनाए करता हूँ। जिस दिन नेट में हटाऊंगा आपको आना है, ठीक है भाई, इंशाल्लाह जरूर आएंगे जायद भाई। ये आप देखिए जायद भाई कबूतर हैं, बड़े शानदार हैं। आओ ये देखिए आप, ये देखिए भाई, ₹270 में मात्र जायद भाई को मिल गया है कबूतर, अच्छा कबूतर है। और ये इनके जाल है भाई, ये आप देख सकते हैं इनका जाल, इंग्लिश जाल है थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं। ये बाथरूम था, जायद भाई ने इसको जाल में कन्वर्ट कर दिया है। ये छत है जायद भाई की, बहुत बड़ी छत है माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा इधर है जायद भाई, नेट तो आधे ही छत पे लगती। जायद भाई ने अपने हाथ से अकेले ये सारा काम करते हैं, सब कुछ इन्होंने अकेले ही किया, ये नेट लगाई सब कुछ लगाई, ये देख सकते हैं जी आ रहे हैं। ये सरका पारी किसान जो कहलाती चाय, मैं आपको पिलाता हूँ बहुत बढ़िया। चलिए इंशाल्लाह चाय पीने जा रहे हैं भाई। ये हमारे जायद भाई कबूतर आप देख सकते हैं भाई लोग, आओ दौड़ रहा है, अभी ज़्यादा झल्ला नहीं है, अभी धीरे धीरे झल्लापन पकड़ेगा जायद भाई इनको दौड़ाते हुए। जायद भाई चाय के साथ लुक लेते हुए और दौड़ाते हुए कबूतर भाई, ऐसे ही इनको भाई दौड़ाया जाता है इधर से उधर इधर से उधर, नया कबूतर खोलने के लिए लाए, नेट लगा दी, नेट लगाने के बाद अंदर इनको नपा हुआ दाना दिया और नपा हुआ दाना देने के बाद भाई इनको सिर्फ इधर से उधर दौड़ाया जाता है कुछ दिन, उसके बाद जब नेट खोली जाती है उसके बाद भी यूं ही दौड़ाया जाता है, फिर अपने आप अगर ये तावा खा गए तो खा गए, अगर गर्दान हुए किसी के तो भाई लुटिया डूब जाती है, अगर आप उस्ताद आदमी हैं तो लुटिया बच जाती है। देखिए भाई कबूतर कितना, ज़्यादा झल्ला नहीं है अभी जायद भाई कबूतर, क्योंकि अभी आए हुए 2-3 दिन हुए हैं इनको। 80 कबूतर हैं भाई ये पूरे, देख सकते हैं एक से एक कबूतर है भाई में, देखिए जूम करके हम आपको दिखाते हैं, काबरे लाल साइदियों को भी भाई दिखा रहे हैं भाई, वो भी देख लें, वो लोग तो चीने नफ्ते उड़ाते हैं भाई। बाबा हमारे सब नीला लालबन और इक्का ही दुक्का नपते हैं एक दो, देख सकते हैं भाई आप बहुत ही शानदार। ये देखिए मुखिया आया, गुलाबी भी है, कैसा लगा हमारे जावेद भाई का ये शौक, नया शौक आपको जावेद भाई का कैसा लगा भाई लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे जावेद भाई कब आप कबूतर खोलेंगे भाई? 6-7 तारीख में बताया तो जावेद भाई 6-7 तारीख में कबूतर खोलेंगे, तो भाई नेक्स्ट वीडियो जावेद भाई की इंशाल्लाह 6-7 तारीख में बन जाएगी और आपको ये कबूतर जो नए हैं सब इनको खोल करके दिखाएँगे भाई, इनके तावे लेकर के दिखाएंगे भाई, और इंशाल्लाह कुछ दिन बाद इनकी लड़ैया भी दिखाएंगे भाई। हमारे जावेद भाई बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत जल्दी सारे निर्णय लेते हैं और बहुत जल्दी ही कबूतर खोलते हैं, इंशाल्लाह इनको सैदियों की बाजे बजानी है। चलता हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। जावेद भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा यही कहना है कि भाई आप लोग अजीम भाई के चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया जावेद भाई, करते हैं भाई।